हाय गाइस, डिजिटल मार्केटिंग की लेक्चर सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम गूगल एड्स में पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट वन में बता दिया था कि कैसे अपना गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करते हैं। आज हम पार्ट टू में डिस्कस कर रहे हैं कैसे ऑक्शन वर्क करता है। मैं बता दूं, ऑक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है गूगल एड्स में। सो आप सभी लोगों को ऑक्शन समझ लेना है और कैसे ऑक्शन वर्क करता है उसको समझ लेना है। आज पूरा हम लोग देखने वाले हैं ऑक्शन के बारे में, डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो नहीं किया हुआ है, सो सामने आपको स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम दिख रहा है, digitalmarketing.ideas। आप उस पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे बेल आइकन प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं 5 PM पर और उसमें और डिटेल में इन डेप्थ बात होती है। सो वहां पर भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो चलते अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर हम ऑक्शन के कॉन्सेप्ट को बात करने वाले हैं। अभी हमने देखिए एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। स्क्रीनशॉट में हमने क्या सर्च किया था गूगल पर, हमने सर्च किया था डोमेन्स। तो देखिए यहां पे कुछ रिजल्ट्स हो रहे हैं, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हो रहे हैं जिनके आगे एडी लिखा होता है। ये सब गूगल एड से क्रिएट होते हैं। एडी यहां पे लिखा हुआ है। आप सेकंड रिजल्ट पे देखें, यहां पे भी एडी लिखा हुआ है। आप थर्ड रिजल्ट पे देखें, यहां पे भी एडी लिखा हुआ है। तो ये सब गूगल एड से शो होते हैं, ठीक है। अभी हमें गूगल ऑक्शन में क्या काम करना है, हमें ये डिसाइड करना है कौन सी हमारी एड फर्स्ट नंबर पर रैंक करेगी, कौन सी हमारी एड सेकंड नंबर पर रैंक करेगी, कौन सी थर्ड नंबर पर रैंक करेगी, कौन रैंक नहीं करेगी। ये सब गूगल ऑक्शन से होता है। गूगल ऑक्शन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मैं बता दूं, बिडिंग, एड रैंक एंड क्वालिटी स्कोर। हम सबकी बात करने वाले हैं, एड रैंक क्या होता है, बिडिंग क्या होती है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है। देखिए एड रैंक जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही है, ये देखिए इसकी एड रैंक 1 है, इसकी एड रैंक 2 है, इसकी एड रैंक 3 है। तो जो एड रैंक होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बिडिंग एंड क्वालिटी स्कोर। सो क्वालिटी स्कोर क्या होता है, बिडिंग क्या होता है, आगे देखने वाले हैं। और क्वालिटी स्कोर पर एक सेपरेट वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी, और लाइव में भी हम बताने वाले हैं क्वालिटी स्कोर के बारे में। So, अब हम बात करते हैं ऑक्शन वर्क कैसे करता है, क्योंकि ऑक्शन में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी एड को ऊपर टॉप पर शो कराना है। हमारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो हम लोग क्या चाहेंगे, हमारी एड टॉप पर शो हो, लाइक यहाँ पे। तो ये ऑक्शन कंसेप्ट से शो होगा यहाँ पर, यहाँ पर और इसके नीचे। देखिए ज्यादा नीचे जाएंगे हम तो हमारी एड्स में रिजल्ट, स्पॉन्सर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमारी एड्स को टॉप पर रैंक कराना है, तो उसके लिए मैं ऑप्शन के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर, हमने लिखा हुआ है गूगल ऑप्शन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट डिपेंड करता है एड रैंक पर, गूगल का ऑप्शन फर्स्ट डिपेंड करता है एड रैंक पर। एंड सेकेंड डिपेंड करता है, देख सकते कंप्यूटर स्क्रीन पर, सेकेंड डिपेंड करता है बिडिंग पर, एंड थर्ड डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर पर। अभी क्वालिटी स्कोर मीन्स आपकी वेबसाइट की क्वालिटी स्कोर कैसा है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी क्या है, ये आगे और इन डेप्थ में डिस्कस होगा। क्वालिटी स्कोर मैं बता देता हूँ, जैसे आपने एक पेज लैंडिंग पेज बना हुआ है, उसका क्वालिटी कैसी है। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग का लैंडिंग पेज है और उसमें कोई क्लिक कर रहा है, जा रहा है SEO के लैंडिंग पेज पर, कोई डिजिटल मार्केटिंग का लैंडिंग पेज है उस पर क्लिक कर रहा है, कोई जा रहा है मैथ्स क्लास पर। तो क्वालिटी डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गूगल यूजर्स को क्वालिटी देना चाहता है। बोलो गूगल का ये वर्क नहीं होता, ओनली बिडिंग एक फैक्टर नहीं होता है, क्वालिटी भी एक फैक्टर होता है। सेकंड होता है बिडिंग। बिडिंग मीन्स आपने कितनी बिड लगाई हुई, कितनी बोली लगाई हुई। आपने 5 रुपए लगाए हैं एक एड पर, आपने 6 रुपए लगाए हैं, आपने 7 रुपए लगाए हैं, तो ये बिडिंग पर भी डिपेंड करता है, क्वालिटी स्कोर पर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से हमें एड रैंक मिलती है। हम बोल सकते हैं एड रैंक इक्वल टू बिडिंग मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। अभी हम देखते हैं कैसे हम एड रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं तीसरे व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं फैक्टर्स। देखिए मैंने एड रैंक को कैलकुलेट करने के कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। एक एडवर्टाइजर बन है जिसका नाम मैंने दिया हुआ है एड्समन। इसने मैक्सिमम बिड, ये मैक्सिमम बिड है, उसने 2 रुपए लगाई है, ये रुपए हैं 2 रुपए, उसने मैक्सिमम बिड लगाई है 2 रुपए, और उसका क्वालिटी स्कोर है, वेबसाइट का अच्छा क्वालिटी स्कोर है 10, तो उसकी एड रैंक हो गई 20। आप देख सकते हैं उनकी एड रैंक हो गई 20। दूसरा एडवर्टाइजर है जिसने 4 रुपए लगाए, जिसकी मैक्सिमम बिड है 4 रुपए, उसका क्वालिटी स्कोर कम है पहले वाले से, उसका भी क्वालिटी स्कोर 4 है, तो इसकी एड रैंक हो गई 60। इसकी एड रैंक देखिए पहले वाले से कम है। जब तीसरे एड्स की बात करते हैं तो देखिए इसका मैक्सिमम बिड है 6 रुपए, इसका क्वालिटी स्कोर और घटिया है और खराब है, तो हम इसको देखिए इसका क्वालिटी स्कोर है 2, तो हम बात करेंगे इसके एड रैंक की, इसका हो गया 12। जब हम फोर्थ एडवर्टाइजर की बात करते हैं तो इनने मैक्सिमम बिड और ज्यादा लगाई है, इनका क्वालिटी स्कोर और खराब है, देख सकते हैं बने, और इनकी एड रैंक हो गई
एट। तो अब आप समझने वाले समझ सकते हैं समझने वाले होंगे कि कौन फर्स्ट पर रैंक करने वाला है। देखिए गूगल का मेन एम बिड पर ही डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गूगल यूजर्स को क्या देने क्वालिटी देना चाहता है, क्वालिटी देना चाहता है। तो उनने एक फैक्टर बनाया क्वालिटी स्कोर, एक फैक्टर बनाया बिड। आप बिड हाई रख रहे हैं, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, आपकी एड टॉप पर रैंक करने वाली है। आपका बिड थोड़ा लो है, क्वालिटी स्कोर अच्छा है, तब भी आपकी टॉप पर रैंक करने वाली है। कंप्यूटर स्क्रीन में देखें, यहाँ पर बिड देखिए आप 2 रुपए है, ओनली बिड है 2 रुपए, आप देख सकते हैं 2 रुपए है ओनली बिड। और क्वालिटी स्कोर इनका 10 है, क्वालिटी स्कोर 1 to 10 पर डिपेंड करता है, 1 to 10 रैंक देते हैं, क्वालिटी स्कोर 1 to 10 तक नंबर देते हैं। सो देखिए इनका मैक्सिमम बिड है 2, इनका क्वालिटी स्कोर है 10, तो इनकी एड रैंक देख सकते हैं 20 हो गई। इनकी एड रैंक सबसे ज्यादा हो गई, यानी इस जो यहाँ पे चार्ट हो रहा है इसमें फर्स्ट जो एड्स एडवर्टाइजर बन है ये टॉप पर रैंक करने वाला है, क्योंकि इनके बिड तो ठीक है, बिड एक फैक्टर जरूर है लेकिन पूरा बिड पर डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी स्कोर भी एक दूसरा फैक्टर होता है। जैसे देखिए इनने बिड ज्यादा लगा दिए लेकिन इनका क्वालिटी स्कोर उनसे अच्छा नहीं है, ए वालों से, फर्स्ट वालों से, तो इनका सेकंड नंबर पर रैंक करेगा। अभी देखिए हम सबसे लास्ट की बात करते हैं, इनका क्वालिटी स्कोर बहुत खराब है, इनने इतनी ज्यादा बिड लगा दी है तब भी ये देखिए कितने नीचे रैंक कर रहे हैं। बिड भी बहुत हाई है, क्वालिटी स्कोर बहुत खराब है, फिर भी इनका देखिए अब सबसे नीचे रैंक कर रहे हैं। तो आपको इससे क्या समझना है, आपको बिड तो आपको याद ध्यान रखना ही है, उसके साथ आपको क्वालिटी स्कोर ध्यान रखना है। क्वालिटी स्कोर की इन डिटेल वीडियो भी आएगी, अभी आप ये समझ लें वेबसाइट के लैंडिंग पेज की क्वालिटी ही क्वालिटी स्कोर होती है। सो ऑक्शन का कंसेप्ट, अभी ऑक्शन इन सब पर डिपेंड करता है। ऑक्शन में क्या क्या होता है, ऑक्शन देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ऑक्शन में एड रैंक मैंने बता दी, एड रैंक इक्वल टू मैंने बताया बिडिंग एंड क्वालिटी स्कोर। आप देख सकते हैं एड रैंक इक्वल टू, ये एड रैंक इक्वल टू बिडिंग, ये बिडिंग एंड क्वालिटी स्कोर। तो ये ऑक्शन इन कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो आपको क्या याद रखना है, आप जब भी कोई भी एडवर्टाइज चलाएं आप सबसे पहले क्वालिटी स्कोर देखें, वेबसाइट के लैंडिंग पेज का क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपने अच्छा लैंडिंग पेज बनाया होना चाहिए, उसकी स्पीड वगैरह अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात देखिए आपने कितनी बिड लगाई हुई है। बिड यहाँ पे एक बिड का कॉन्सेप्ट होता है, बिड मीन सिंपल आप समझ सकते हैं बोली, जैसे हम लोग लाइक आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा हम बोली लगाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी बिड होता है, हम यहाँ पे भी बोली लगाते हैं। लाइक एक एडवर्टाइजर ने 2 रुपए लगा दी, दूसरे ने 4 रुपए लगा दी, बट इसमें एक दूसरा फैक्टर होता है क्वालिटी स्कोर। मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्वालिटी स्कोर पर मेनली फोकस देना है। तो इस टाइप से आपकी एड यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर रैंक हो जाएगी। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे गोडैडी, यहाँ पे वो डोमेन्स मैंने सर्च किया गूगल पर, फर्स्ट नंबर पे गोडैडी आ रहे हैं। इनकी बिड देखिए यहाँ पे बिड और क्वालिटी स्कोर से आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर रैंक कर रहे हैं, इनका बिड और क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा इसीलिए ऊपर रैंक कर रहे हैं। सेकंड पर ये रैंक कर रहे हैं, फिर इनका बिड अच्छी होगी या फिर क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, और बिड थोड़ी कम होगी या क्वालिटी स्कोर थोड़ा कम होगा, फिर सेकंड पर और थर्ड। इनका मल्टीप्लाई एड रैंक के बराबर होता है, इनका मल्टीप्लाई जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर रैंक करेगा। आप इतनी सी बात समझ लीजिए, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर का मल्टीप्लाई जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर रैंक करने वाला है। तो इस कंसेप्ट से हम गूगल एड्स में एड सर्च एड रन करते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम होता है वेबसाइट टॉप पर आए, ट्रैफिक इंक्रीज हो, कन्वर्जन बढ़े। तो ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए हमें ऑक्शन पर वर्क करना पड़ता है, हमें ऑक्शन में सोचना पड़ता है कि हमें क्वालिटी स्कोर पर वर्क करना पड़ता है, हमें बिडिंग में सोचना पड़ता है। तो हमें सब फैक्टर्स को कंसीडर करके ही ऑक्शन पर देखना है, और फिर उसके बाद हमें आगे गूगल एड्स रन करनी है। सो इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसीलिए एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया कि आप इसको समझ सकें, इस पर ध्यान दे सकें, सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देंगे कि ऑक्शन डिपेंड करता है बिड इनटू क्वालिटी स्कोर पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, आगे हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने वाले हैं गूगल एड्स में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, और लाइव क्लास में आ सकते हैं 5 PM पर, ठीक है। और हम लोगों की डेली लाइव क्लास होती है 5 PM पर, सो आप वहां पर अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।